हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर वन। प्रीवियस वीडियो हम पूरा चैप्टर समझ चुके थे और डिफाइन हमने बताई थी आपको नोटबुक पे करनी है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज समझेंगे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए कुक्ड फूड, इनमें से कौन है जो कुक्ड फूड नहीं है? मिल्क। वॉट डू यू कॉल एन एनिमल डैट ईट्स ओनली प्लांट, जो केवल प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन बोथ एज अ रो फूड एंड अ कुक फूड, ऐसा कौन सा है जो कच्चा और पका दोनों खा सकते हैं? तो कैरेट है। कर्ड बिलोंग टू विच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ फूड आइटम, तो इनमें से जो है कर्ड है यानी दही है वो किस में आता है? डेरिव्ड फूड प्रोडक्ट में आता है क्योंकि इसको दूध से बनाया जाता है। मशरूम बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंजाई। फिर आपके फिलअप हैं। रॉ फूड आइटम आर दोज विच वी ईट एज वी रिसीव देम फ्रॉम नेचर, तो कच्चा भोजन क्या होता है? जैसा हमें मिलता है नेचर से, प्रकृति से, वैसा ही हम उसे खा लेते हैं। ये सभी काम आपको, जो भी वर्क है आपको अपनी बुक में फिल करना है। फिर देखिए, शुगर कैन पोटैटो एंड जिंजर आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से मिलते हैं? स्टेम सीड्स जो होते हैं किसके? सनफ्लावर के एंड मस्टर्ड आके, ये किससे होते हैं? इनसे क्या बनता है? ऑयल बनता है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, हनी बी क्या करती हैं? नेक्टर यानी रस, फूलों के रस को कलेक्ट करती हैं और हनी में चेंज कर देती हैं। मशरूम इज़ एन एडिबल फंजाई, तो मशरूम क्या होता है? खाने योग्य फंजाई होती है। फंजाई थोड़ी फफूंदी को बोलते हैं जो खाने योग्य नहीं होती, लेकिन मशरूम को खाया जा सकता है। फिर यहाँ पे आपके मैच द कॉलम है। ग्रेप्स क्या होती हैं? रॉ फूड खा सकते हैं इनको ऐसे ही। डियर ये क्या होता है? हर्बीवोर होता है। मशरूम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। बर्गर क्या होता है? कुक्ड फूड है। और लेपर्ड क्या होते हैं? कार्निवोर, मांसाहारी होता है। तो ये सारा काम आपकी बुक में फिल करना है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये इन वन सेंटेंस हैं, ये आपको अपनी नोटबुक पे करने होंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी नोटबुक पे करने होंगे, और ये वाला आपको नहीं करना है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर इन वन लाइन में हो चुका है ये क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए ये वाला आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 हैं, ये सभी आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं जो आपको सेंड किए जाएंगे, तो वहाँ से आप अपना सारा वर्क नोटबुक पे कर लेंगे।